अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? सब वालेकुम स्टूडेंट सलाम ठीक सर। है? अल्हम्दुलिल्लाह आप सुनाए। सर आप कैसे हैं? ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो कल वर्क स्टार्ट किया था हमने। वर्क का हमने कुछ बायोग्राफिकल स्केच उसका देखा था, उसकी डेट ऑफ एक्सक्यूज मी सर, बर्थ से स्टार्ट किया था हमने, और इसके कुछ सर आपने कल वाला जी मटेरियल भी फॉरवर्ड नहीं किया था। हो जाएगा जी, साथ इसके ही हो जाएगा ये कंप्लीट जो है ना टॉपिक, आज कंप्लीट हो जाएगा तो वो भी इसके साथ ही है। ओके सर, थैंक यू। तो हमने कल देखा था कि कॉलरिज के बारे में मैंने बताया था कि उसके साथ मिलके एक बड़ा इम्पोर्टेंट वर्क इसने, वर्ड्सवर्थ ने अपनी लाइफ का, अपने पोइट्री के कैरियर का इसने लिखा था, जिसका नाम था लिरिकल बैलेड्स। लिरिकल बैलेड में कॉलरिज और वर्ड्सवर्थ इन दोनों ने कंट्रीब्यूट किया था, और दोनों की पोइट्री इसमें शामिल थी। ये एक बुक की फॉर्म में थी, जो कि सबसे पहले 1798 में पब्लिश हुई थी। तो फर्स्ट पॉइंट जो अभी मैंने यहाँ पे लिखा है कि लिरिकल बैलेड इज अ कलेक्शन ऑफ पोइम बाय वर्ड्सवर्थ एंड सैमुअल कॉलरिज, के दो पोइट इसमें शामिल थे, एक था वर्ड्सवर्थ खुद और दूसरा उसका कंपेनियन कॉलरिज। कॉलरिज क्योंकि इसी के ग्रुप से था, लेक ग्रुप से उसका भी ताल्लुक था, वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज और साउथी, ये तीनों लेक डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले थे। लेकिन ये बुक जो है इसमें साउथी शामिल नहीं था, ये वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज ने लिखी थी। तो ये एक इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, और इस पर क्वेश्चन भी बन जाता होता है कि लिरिकल बैलेड किन दो पोइट्स ने मिलकर लिखी थी। उसके बाद इसकी पब्लिकेशन डेट है कि ये 1798 में पहली बार इसका फर्स्ट जो एडिशन था वो पब्लिश हुआ। एंड जनरली कंसिडर्ड टू हैव मार्क द बिगनिंग ऑफ इंग्लिश रोमांटिक मूवमेंट इन लिटरेचर। और इसी की पब्लिकेशन के साथ जब ये पब्लिश हुई 1798 में, उसी साल को और उसी डेट को ये समझा जाता है कि वहाँ से बाकायदा तौर पे इंग्लिश रोमांटिक लिटरेचर की जो एज है उसका स्टार्ट हुआ, यानी कि लिरिकल बैलेड के पब्लिश होने से रोमांटिक लिटरेरी पीरियड जो है, जिसको हम रोमांटिक एज भी कहते हैं आमतौर पे, उसका स्टार्ट इसी बुक के पब्लिश होने से हुआ था। 1798 में पहला एडिशन आया, तो उसके बाद इसका दूसरा एडिशन आया जो कि 1800 में पब्लिश हुआ। इसमें एडिशन में क्या खास बात थी? इन दिस एडिशन वर्ड्सवर्थ इंक्लूडेड एडिशनल पॉइंट्स एंड अ प्रीफेस डिटेलिंग द पेयर्स ओवर पोएटिकल प्रिंसिपल्स। इसमें दो तरह की चेंजेस थी कि एक तो इसमें पोइम्स जो हैं वो थोड़ी सी और बढ़ा दी गई, जिसमें कि वर्ड्सवर्थ की पोइम्स बढ़ाई गई थी। पहली बात तो ये थी, ये तो एक आम कोई इतनी जो है वो नई या बहुत कोई हैरानी वाली बात नहीं। लेकिन जो अहम इसमें काम हुआ था, जो सेकंड इसका वॉल्यूम आया था, वो ये था कि
पहला जो वॉल्यूम था उसमें कोई भी प्रीफेस शामिल नहीं था, लेकिन जो दूसरा वॉल्यूम आया था उसमें प्रीफेस शामिल किया गया, और उसमें जो पोइट्री लिरिकल बैलेड में शामिल की गई थी इन दोनों पोइट्स की, कॉलरिज और वर्ड्सवर्थ की, उसके मतलब इनने अपने कुछ जो है ना वजाहतें दी थी, जिसको हम आमतौर पे वर्ड्सवर्थ की आपने पढ़ा होगा लिटरेरी क्रिटिसिज्म में, जिसको नाम दिया जाता है पोइटिक डिक्शन का, आपने ये पढ़ा होगा उसका थ्योरी जो है पोइटिक डिक्शन की। तो वो जो पोइटिक डिक्शन की थ्योरी थी ना, वो ये इस लिरिकल बैलेड का जो सेकंड एडिशन था उसमें ये पब्लिश हुई थी, उसका प्रीफेस जो था उसमें ये पोइटिक डिक्शन की थ्योरी लिखी गई थी और वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी। लेकिन एक और अहम चीज़ वो क्या हुई थी कि जब सेकंड एडिशन में ये थ्योरी शामिल की गई थी पोइटिक डिक्शन की, तो ये थ्योरी तो शामिल की गई थी लेकिन इसमें कहीं पे भी इस थ्योरी को पोइटिक डिक्शन का नाम नहीं दिया गया था। ठीक है, सेकंड एडिशन में जब ये पहली बार पब्लिश हुई, लेकिन इसका नाम जो है, जो इसका असल नाम है पोइटिक डिक्शन, वो इसको पहले ये नाम नहीं दिया गया, वो उसके बाद इसको नाम दिया गया। कब दिया गया वो मैं अभी चल आगे बताता हूँ आपको। उसके बाद फॉर एन अदर एडिशन पब्लिश्ड इन 1802, 1802 में इसका तीसरा एडिशन आया, वर्ड्सवर्थ एडिट एंड अपेंडिक्स टाइटल पोइटिक डिक्शन इन विच ही एक्सपेंडेड द आइडिया सेट फोर्थ इन द प्रीफेस। तो जब ये तीसरा एडिशन आया 1802 में, इसके अंदर फिर जब वो वाली थ्योरी उसने दोबारा अपनी शामिल की, तो उसको फिर उसने बकायदा से एक टाइटल उसको लगा दिया पोइटिक डिक्शन का। ठीक है, दूसरे एडिशन में उसने पहले थ्योरी शामिल की थी लेकिन उसको कोई भी नाम नहीं दिया था उस थ्योरी को, और जब फिर लिरिकल बैलेट का तीसरा एडिशन आया तो उसमें फिर उसने बकायदा से उसके ऊपर एक टाइटल लगा दिया पोइटिक डिक्शन का। अ थर्ड एडिशन वाज पब्लिश्ड इन 1802 विद सब्सटेंशियल एडिशन मेड इन टू इट्स प्रीफेस, के जो तीसरा एडिशन आया उसमें पोइम्स का तो इजाफा नहीं हुआ था, लेकिन उसमें सिर्फ क्या इजाफा किया गया, उसमें प्रीफेस को शामिल किया गया और उसको एक टाइटल दे दिया गया जिसका नाम है पोइटिक डिक्शन रखा गया। उसके बाद इसका फोर्थ एंड फाइनल, चौथा और आखिरी एडिशन पब्लिश हुआ, जो कि 1905 में पब्लिश हुआ, ये इसका आखिरी एडिशन था 1805 में। उसके बाद जो है ये लिरिकल बैलर्स जो नाम है इसके मतलब थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ कि लिरिकल बैलर्ड जो नाम रखा गया इस कलेक्शन का वो क्या है और उसका क्या मतलब है। ये दो चीज़ों का जो है ना मिलके बना है ये नाम, नंबर वन इज लिरिकल एंड सेकंड इज बैलर्ड। ये दोनों जो नाम है या दोनों जो लफ्ज़ हैं ये पोइट्री की दो टाइप्स हैं, उसके नाम है पोइट्री की दो टाइप्स हैं उसके नाम है ये, एक होती है लिरिकल टाइप ऑफ पोइट्री और एक होती है बैलेड। ठीक है, तो ये दो टाइप्स हैं पोइट्री की। अब यहाँ पे इसकी कुछ एक डेफिनेशन भी दी गई है कि लिरिकल पोइम इज वन दैट एक्सप्रेसेस इमोशन, के लिरिकल पोइम ऐसी होती है जो कि किसी बंदे के इमोशंस को शो करती है, उसके इमोशंस को, उसके जज्बात को शो करती है, लिरिकल पोइम एंड आइडेंटिकल टू अ सॉन्ग, और ये एक सॉन्ग से मिलती जुलती होती है, जैसे गाना होता है ना उसमें जैसे एक म्यूजिकलिटी सी पाई जाती है, उसमें जो चीज़ें लाइक होती हैं रिदम जिस तरह का एक गाने का होता है एक सॉन्ग की तरह, तो ये उस तरह से एक मिलती जुलती सी एक पोइम होती है
A lyrical poem is one that expresses emotions and identical to a song. उसके बाद बैलेट की डेफिनेशन है, बैलेट टेल्स अ स्टोरी, ऑफन ड्राइव्ड फ्रॉम फोक ट्रेडिशन एंड ऑफन विद अ सुपरनेचुरल एलिमेंट। कि बैलेट जो है वो एक ऐसी पोइम होती है जिसमें आमतौर पे कोई कहानी सुनाई जाती है, और उसमें वो कहानियाँ आमतौर पे वो फोक ट्रेडिशन के मुतल्लिक हो सकती हैं, या उसमें अक्सर ये भी हो सकता है कि हमें सुपरनेचुरल एलिमेंट देखने को मिले। ठीक है, जैसे सुपरनेचुरल एलिमेंट हमने देखा कि हमारे जो लास्ट हमने पोइम पढ़ी है, पोइट पढ़ा है अलेक्जेंडर पॉप, उसमें द टेप ऑफ द लॉक में जैसे सुपरनेचुरल एलिमेंट्स थे, तो उसी तरह के सुपरनेचुरल एलिमेंट्स इन बैलेट्स में भी हो सकते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं होता कि लाजमी हो, लेकिन अक्सर जो है वो हो सकते हैं। वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज ग्राउंड ब्रेकिंग 1798 वॉल्यूम लिरिकल बैलेट प्रेजेंटेड अ सीरीज ऑफ पोइम्स दैट वर मेंट आइदर चीफली टू एक्सप्रेस एन इमोशन आर टू टेल अ फोक स्टोरी विद अ सुपरनेचुरल एलिमेंट। के जो फिर इन दोनों ने ये लिरिकल बैलेट के नाम से एडिशन पब्लिश किया 1798 में, तो उसका मतलब ये हुआ कि या तो उसमें हमें लिरिकल टाइप ऑफ पोइट्री मिलेगी जिसमें इमोशंस के जो है वो बात की जाएगी, इमोशंस एक्सप्रेस किए जाएंगे, या हमें सुपरनेचुरल एलिमेंट्स वाली बैलेट्स मिलेंगी, ये स्टोरी टेलिंग वाली बैलेट्स मिलेंगी जिसमें स्टोरी टेलिंग की जाएगी। ठीक है, तो ये इसके लिरिकल बैलेट की एक एक्सप्लेनेशन है। यहाँ तक कोई आपका क्वेश्चन? सर, फोक स्टोरी कौन सी होती है? फोक स्टोरी जैसे आम जो फोक टेल्स होती हैं, जिसको आमतौर पे ये मुख्तलिफ इलाकों में जो मशहूर हो जाती हैं, जिस तरह इलाकाई कहानियां जिसको बोला जाता है, लोक दास्तान जिसको आम जुबान में कहते हैं। उसके बाद जो है वर्ड्सवर्थ की आपने पोइटिक डिक्शन पढ़ चुके हैं आप इससे पहले, मेरे ख्याल है पिछले लास्ट सेमेस्टर में, तो क्योंकि इसको स्टार्ट करने से पहले उसकी जो पोइटिक डिक्शन में उसने अपनी जो पोइट्री के मतलब थ्योरी दी थी, या फिलॉसफी जिसको कह लें, जो पोइट्री के मतलब उसने कुछ अपने प्रिंसिपल दिए थे, उनको एक बार रिव्यू करेंगे हम यहाँ पे। उसमें जो है सबसे अहम बात जो उसने की थी वो उसकी यही थी कि उसने एक डेफिनेशन दी थी पोइट्री की हमें, जो कि तकरीबन हर जगह पे वो आप पहले भी सुन चुके होंगे, इस्तेमाल भी होती है पोइट्री की डेफिनेशन के तौर पे। दैट वाज ही डिस्क्राइब्स पोइट्री एज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ इमोशंस। पोइट्री की ये डेफिनेशन आपको पोइटिक डिक्शन में मिलती है, जो उसने लिरिकल बैलेट में मैंने पहले बताया कि सबसे पहले पब्लिश की थी सेकंड एडिशन में, और उसके बाद थर्ड में, और फिर फोर्थ में। उसमें ये डेफिनेशन उसने शामिल की थी कि पोइट्री जो है वो इमोशंस का एक स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो होता है, जो कि एकदम से एक बंदे पे तारी होता है, और पोइट्री जो है वो एक शक्ल इख्तियार करती है। द पोइट्री इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन रिटोरिकल एंड लिटरेरी डिवाइसेस। सेकंड उसने जो प्रिंसिपल दिया है वो ये कि पोइट्री को कहता है कि पोइट्री लिटरेरी डिवाइसेस
या रिटोरिकल डिवाइसेस जो होती हैं, जो हम जिसको हम लिटरेरी डिवाइसेस या पोइट्री की डिवाइसेस हम बोलते हैं, उन पे वो कहते हैं इसका इन्हिसार नहीं होता, बट इट इज़ अ फ्री एक्सप्रेशन ऑफ पोइट्स थॉट एंड फीलिंग। बल्कि वो कहते हैं कि ये पोइट के जो है वो एक अपनी थॉट्स की जो है फ्रीली तौर पे, आज़ादाना तौर पे जो एक्सप्रेशन है उसका नाम पोइट्री है। यानी कि वो कहते हैं कि दूसरे सिंपल लफ्ज़ों में कि पोइट को हम ये बाउंड नहीं कर सकते कि वो लाजमी तौर पे लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ करे, वो लाजमी तौर पे उसमें राइम रिदम मीटर वगैरह का ख्याल रखे। वो कहता है कि मिल्टन की वो एग्जांपल देता है खुद से, वो कहता है कि मिल्टन जो था वो एक बड़ा पोइट था, लेकिन उसने बहुत सारी ऐसी लाइंस भी लिखी, ऐसी पोइट्री भी लिखी जिसमें मीटर बिल्कुल ही नहीं था, लेकिन उसके बावजूद जो है उसकी पोइट्री बहुत ज़्यादा फेमस हुई और वो एक बड़ा पोइट बन गया। तो इस तरह से वो मिल्टन की एग्जांपल देता है कि लिटरेरी डिवाइसेस जो है वो पोइट्री के लिए लाजमी नहीं है। द पोइट इज अ टीचर एंड मस्ट स्ट्राइव टू रिवील ट्रूथ नॉट थ्रू साइंटिफिक एनालिसिस एंड अब्स्ट्रैक्शन बट थ्रू एन इमेजिनेटिव अवेयरनेस ऑफ पर्सन एंड थिंग्स। टीचर उसके नज़दीक जो पोइट है वो एक टीचर है, और वो कहता है कि हमेशा जो है पोइट की ये कोशिश होती है कि वो सच्चाई को सामने लेके आए, स्ट्राइव टू रिवील द ट्रूथ, कि वो हमेशा ये कोशिश करता है कि सच्चाई को सामने लेके आए। उस सच्चाई को सामने लाने के लिए वो कहता है कि उसकी जो है वो साइंटिफिक बेसिस पे वो काम नहीं करता, बल्कि थ्रू एन इमेजिनेटिव अवेयरनेस पर्सन एंड थिंग्स, के इमेजिनेशन को इस्तेमाल करते हुए, इमेजिनेशन का यूज़ करते हुए एक बंदे या बहुत सारी दूसरी चीज़ों के मुतल्लिक वो सच्चाई को सामने लेके आता है। ही में ब्रॉडन एंड एनरिच आवर ह्यूमन सिंपैथीज एंड आवर एंजॉयमेंट ऑफ नेचर इन दिस वे। कहता है इस तरीके से वो हमारे अंदर जज्बात पैदा कर सकता है किस चीज़ के, दो तरह के। वो कहता है कि या तो वो ये कर सकता है कि दूसरे लोगों के साथ हमें हमदर्दी पैदा कर दे, वुमेन सिंपैथीज, के दूसरे लोगों के मुतलक हमदर्दी हमें पैदा हो जाएगी जब पोइट ऐसा करेगा, एज अ टीचर काम करेगा, और दूसरा ये हो सकता है कि हम नेचर को एक अच्छे तरीके से इंजॉय कर सकें। ही मस्ट कम्युनिकेट हिज आइडियाज एंड इमोशंस थ्रू अ पावरफुल रिक्रिएशन ऑफ द ओरिजिनल एक्सपीरियंस। फॉर दिस ही मस्ट हैव अ सेंसिबिलिटी फार बियॉन्ड दैट ऑफ द ऑर्डिनरी इंडिविजुअल। वो कहता है कि ही मस्ट कम्युनिकेट हिज आइडियाज, अपने ख्यालात का इजहार करे एंड इमोशंस और जज्बात का, थ्रू अ पावरफुल रिक्रिएशन ऑफ द ओरिजिनल एक्सपीरियंस, के असल में जो उसने किसी चीज़ का एक्सपीरियंस हासिल किया है, किसी चीज़ को लाइक देखा है, सुना है, तो उसका ही वो इजहार करे, दोबारा से उसको ज़रा अपनी उस एक्सपीरियंस को ज़रा थोड़ा सा एक उसकी काट छांट करके, तराश खराश करके, उसको थोड़ा सा रिफाइन करके, ठीक है, यानी कि एक पोइट्री की शक्ल दे के उसको ज़रा थोड़ा सा काट छांट करके, रिफाइन करके, दोबारा से उसी एक्सपीरियंस को, उन्हीं इमोशंस को, उन्हीं आइडियाज़ को वो एक पोइट्री की शक्ल में दूसरों तक पहुंचाए। फॉर दिस ही मस्ट हैव अ सेंसिबिलिटी फार बियॉन्ड दैट ऑफ ऑर्डिनरी इंडिविजुअल। वो कहता है ऐसा करने के लिए पोइट को जो है वो आम जो, यानी कि जो लोग पोइट नहीं हैं उनके मुकाबले में थोड़ा सा ज़्यादा सेंसिबल होना पड़ेगा, थोड़ा सा ज़्यादा जो है वो चीज़ों को थोड़ा सा इन डीप देखना पड़ेगा, ज़्यादा थोड़े से इमोशंस जो है ना अपने, वो ज़्यादा पैशन वगैरह और इमोशंस का उसमें जो लेवल है वो थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए। He tells how he weeded out the dead expression from the older poetic vocabulary and substituted the
फ्लैश एंड ब्लड लैंग्वेज ऑफ द कॉमन पर्सन, यहाँ पे वो लैंग्वेज की बात करता है कि ही वीटेड आउट द डेड एक्सप्रेशन ऑफ द ओल्डर पोइटिक वोकैबुलरी, कि उसने जो है पुरानी जो क्लासिकल पोइट्री थी उसकी जो एक डेड किस्म की वोकैबुलरी, वो कहता है कि उसको उसने ख़त्म कर दिया है और एक कॉमन पर्सन की, आम बंदे की जुबान को वो अपनी पोइट्री में यूज़ कर रहा है उसके मुतबादल के तौर पे। पुरानी वोकैबुलरी या डेड वोकैबुलरी वो इसको इसलिए नाम देता है क्योंकि उसके मुताबिक उसके नज़दीक ये बात थी कि कुछ जो चीज़ें होती हैं ना, कुछ ऐसी फ्रेजेस होती हैं, कुछ ऐसी लफ्ज, अगर कोई कहता है कि वो ख़ास तौर पे अगर उनको बार बार हम पोइट्री में यूज़ करते रहें, कोई फ्रेज है, कोई ऐसे कोई ख़ास कोई लफ्ज हैं, तो फिर जो है ना वो अपनी अहमियत खो जाते हैं, वो उनका वो एक कह लें कि वो चार्म नहीं रहता, वो मज़ा नहीं रहता। इस वजह से वो उसको पुरानी जो क्लासिकल वोकैबुलरी है उसको वो डेड कंसीडर करता है कि वो बार बार यूज़ हो के री यूज़ हो के वो उसमें अब वो चार्म नहीं बाकी बचा है, वो एक चाशनी वो मज़ा उसमें बाकी नहीं बचा, इसलिए वो उसको छोड़ रहा है और इसको रिप्लेस कर रहा है कॉमन पर्सन की वोकैबुलरी से, कॉमन पर्सन की लैंग्वेज से। वो कहता है कि आई यूज कॉमन लैंग्वेज, वो उसकी रीजन भी बताता है कि मैं कॉमन लैंग्वेज क्यों यूज करता हूँ, बिकॉज इट इज अ रियलिस्टिक एंड रिलेटिव लैंग्वेज। वो कहता है कि ये एक रियलिस्टिक यानी कि रियलिटी के ज्यादा करीब लैंग्वेज है जो वो वाली होती है, एंड रिलेटिव लैंग्वेज, एंड वॉन्ट टू गिव माई रीडर सेंस पावर एंड एबिलिटी टू थिंक एंड अंडरस्टैंड सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड नीड ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द थिंग विच दे आर रीडिंग इन रियल लाइफ। तो इस सारी बात का जो मैंने अभी आपको बोली है, इसका ये मतलब कि वो कहता है कि मैं इसलिए कॉमन लैंग्वेज यूज़ करता हूँ ताकि जब मैं कॉमन लैंग्वेज यूज़ करूँ तो दूसरा बंदा जो मेरी पोइट्री पढ़े वो उसको आसानी से समझ सके, उसको समझ में आ जाए। जब वो उसको समझ में आ जाएगी अच्छी तरह, तो वो इस काबिल हो जाएगा कि वो उसको मेरी पोइट्री को अपनी लाइफ में अप्लाई कर सके। ये रीज़न वो बताता है कॉमन लैंग्वेज को यूज़ करने की। उसके बाद पोइट्री एंड प्रोज के मतलब वो अपने व्यूज को शेयर करता है, कहते हैं पोइट्री एंड प्रोज ही सेज डिफर ओनली एज द प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ राइम। वो कहते हैं पोइट्री और प्रोज में सिर्फ इतना फ़र्क है कि पोइट्री में राइम होती है और प्रोज में राइम नहीं होती, अदरवाइज इनमें कोई भी फ़र्क नहीं है, लैंग्वेज के एतबार से ये बिल्कुल सेम है। For Wordsworth, the important thing was the emotion arose by the poem. Wordsworth जो है emotions के ऊपर ज़्यादा ध्यान देता था, वो कहता था कि जो poem पढ़ने के बाद emotions हमारे जो है वो उनमें एक wave पैदा होती है, motion बढ़ते हैं, उनकी ज़्यादा अहमियत है। वो कहता है कि एक पोइट जो है वो हमेशा उसको चाहिए कि वो इमोशनल हो, ही शुड आल्सो यूज हिज थॉट्स एंड पर्पस ऑफ माय पोइम्स इज टू कनेक्ट थॉट एंड फीलिंग बोथ। अब ये इसने ना यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात की है कि वो चाहता था कि मैं जो है थॉट और फीलिंग्स दोनों को कनेक्ट करूँ अपनी पोइट्री में, यानी जैसे इंटेलेक्ट की बात की थी मैंने कल पॉप की पोइट्री को बताते हुए, इसी तरह से वो कहता था कि मैं इंटेलेक्चुअल एलिमेंट और इमोशंस दोनों को मैं साथ लेके चलूं, लेकिन असल में क्या हुआ उसके साथ कि उसने फीलिंग्स को ज़्यादा प्रेफर किया था,
वो कहता यही था कि मैं फीलिंग्स को ज्यादा प्रेफर नहीं करता, मैं दोनों चीजों को करता हूँ, लेकिन असल में वो फीलिंग्स को ज्यादा प्रेफर करता था। इन लास्ट अ पोइम री स्टिमुलेटेड पास्ट इमोशन इन द रीडर एंड प्रॉम्प्टेड लर्निंग बाय यूजिंग प्लेयर एंड अ व्हीकल। कहता है कि पोइम जो है वो पास्ट के इमोशंस क्रिएट को उजागर करती है दोबारा से एक रीडर में, और उसको कुछ लर्न करती करवाती है। क्या चीज इस्तेमाल करके? प्लेयर को एक व्हीकल एक्सपीरियंस जी सर। तो ये जो कहता है कि सीख है ना उसकी, जो एक बंदा सीखता है अपने पोइम को पढ़ते हुए, अपने माजी को याद करते हुए, तो कहता है कि एक बड़ा एक प्लेयर की जो है इसमें सूरत हाल है कि उसको मजा भी आता है वो पोइम पढ़ते हुए, और वो पढ़ते पढ़ते कुछ ना कुछ उसे लर्न भी करता है, सीखता भी है अपने माजी को। ठीक है, अगर सवाल किसी का है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीक दोबारा मुलाकात होगी। और सेकंड थिंग इज दैट आप जब बाद में भी बैठ के रीड आउट करें तो भी अगर कोई आपका सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो, तो वो भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपके पास ग्रुप मौजूद है, वहाँ पे आप फ्रीली किसी भी टाइम कोई भी क्वेश्चन, कोई भी एम्बिगिटी या कोई भी प्रॉब्लम इशू आपको टॉपिक में आ रहा है तो वो आप पूछ सकते हैं फ्रीली। वालेकुम सर। सर जी, आप कल वाला लेक्चर शेयर कर दीजिएगा जीसीआर में, सर हम लोग का मिस हो गया था कल। ओके। ठीक ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक दोबारा मुलाकात होगी। अब इंशाल्लाह सर, अल्लाह हाफिज। हैप्पी लर्निंग एंड कीप लविंग लिटरेचर। थैंक यू वेरी मच।